उम्मीद है आप लोगों का बहुत अच्छा कोर्स गुजरा होगा। हमारे पास आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स बैठे हैं यहाँ पे हमारे, माशाल्लाह फ्यूचर के SEO एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वेब डेवलपर्स बैठे हैं। तो दो से तीन बातें मैं आपसे करूँगा आज, और उनमें से एक है कि भाई आपने आज जब यहाँ से उठना है तो उठने से पहले अपना एक गोल सेट करके उठना है। क्या गोल सेट करना है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप खुद को कहाँ देखते हैं। जिस बंदे का कोई गोल नहीं ना होता वो बंदा कभी भी कामयाबी या सक्सेस अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अभी से डिसाइड करके उठेंगे आज कि नेक्स्ट ईयर 5 ईयर्स में अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनाऊँ आप तो मैंने नेक्स्ट 5 ईयर्स में खुद को कहाँ देखना है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि भाई मैंने एक अच्छा SEO एक्सपर्ट बनना है या मैंने एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, ठीक है, वो आप कुछ टाइम में बन जाएंगे, लेकिन लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ बातें करने का मकसद ये है कि ना सिर्फ आप सीखें कि अपनी स्किल में एक्सपर्ट कैसे बनना है। सबसे पहले अगर आप कोई भी गोल सेट करते हैं, आप अपने एक स्किल सीखी है तो उस स्किल में सबसे पहले आपने एक्सपर्ट बनना है, लेवल का एक्सपर्ट बनना है। जितने बड़े आप एक्सपर्ट होंगे ना, यकीन करें उतना पैसा आप छापेंगे। जितनी आपकी लर्निंग होगी उतनी आपकी अर्निंग होगी, ठीक हो गया। तो गोल सेट करना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गोल लाजमी सेट करना नेक्स्ट 5 ईयर्स का कि अगले 5 साल में मैं खुद को एक अच्छा SEO एक्सपर्ट बना के मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। किसी बंदे का माइंडसेट होता है कि भाई मैंने फलां कंपनी में, पाकिस्तान के सबसे बड़ी कंपनी में जाके मैंने जॉब करनी है। एक बंदा आप में से माइंडसेट बनाया भाई मैंने फाइवर पर टॉप रेटेड सेलर बनना है, ठीक है, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, जो कि बहुत बैठे हुए हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। पहली शर्त ये है कि आपका माइंडसेट, आपकी नीयत होनी चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। इस बात को समझ लिया आपने, सबसे पहले अपना गोल लाजमी सेट करना है। सेकेंड थिंग क्या है, आप सबके सामने हमारे पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन है, किस सूरत हाल से हमारा मुल्क गुजर है। कर्ज़े हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, मुल्क में डॉलर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसे ही है, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और पाकिस्तान को खुद अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत है। तो पैसे कहाँ से आएंगे मुल्क में, बाहर से मुल्क में पैसा कैसे आता है, जब हम बाहर कुछ बेचते हैं। आपने पैसे कमाने हैं ना, कुछ बेचोगे तो ही पैसे कमाओगे। आप दुकान है एक बंदे की, बाहर वो बेच रहा है, कमा रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि डॉलर्स आएँ तो डॉलर्स कहाँ से आएंगे, बाहर से। और बाहर से डॉलर्स लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बाहर बेचना पड़ेगा। तो आप लोगों ने स्किल सीखी है, वेब डेवलपर्स बने हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स बने हैं, SEO एक्सपर्ट्स बने हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इस स्किल को बेचेंगे, इस सर्विस को सेल करेंगे, फाइवर पर, अपवर्क पर, डायरेक्ट आप काम करेंगे, ठीक है। तो ये टारगेट सेट कर लें कि एक बंदा जो है ना, बिलीव मी, एक बंदा पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकता है। हाउ, कैसे, ये बातें नहीं हैं, आप लोगों ने इसको रियल वर्ल्ड में अज्यूम करना है। अगर आप लोग आज एक गोल बना लेंगे, अपना विजन सेट कर लेंगे ना कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है और वाकई ही मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकता है, तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है या एक ऑफिस बनाया है तो उससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, ठीक है, एंड स्टिल आई एम वर्किंग कि भाई मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ और इंशाल्लाह करूँगा आने वाले सालों में। इसी तरीके से आपने एक माइंडसेट बनाना है कि मैंने मुल्क के अंदर अपनी तरफ से लेट्स से $1 million लेके आने या $2 million लेके आने। कैसे लेके आओगे, काम करोगे, पहले आप इंडिविजुअल फाइवर पे जाके सेलर बनोगे, अपवर्क पे बनोगे, काम करोगे, आपकी प्रोफाइल्स इंप्रूव होंगी। अब एक साल टिक के लगा लेंगे ना अगर फाइवर पर, ठीक है, एक साल, बिलीव मी, आप $2,000-3,000 तो महीने का कमा रहे होंगे अगर टिक के लगाते हैं और आपके पास कंटिन्यूसली ऑर्डर्स आते हैं। और जो बात मैं बोल रहा हूँ, टिक के काम करना है, इतने ऑर्डर्स आने हैं, उसके लिए क्या चीज़ें होने ज़रूरी है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। पहली बात फिर मैं बोलता हूँ मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशन। तो आप लोग कुछ बनेंगे ना, आप लोग 10 और को कुछ बनाएंगे, ठीक है, एंड ग्रो करते जाना है, आपने अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करते जाना है, क्वालिटी वर्क इंटरनेशनल मार्केट में देना है, फिर देखें आहिस्ता बाहर का पैसा मुल्क में आएगा। कल कंपनीज बनाएं अपनी जाके, कंपनीज में शुरू में 10 लोग होंगे। अगर आपका वीएन है ना, एक लीडर की थॉट होती है, उसका वीएन बहुत बड़ा होता है। तो वीएन अगर आपका है कि भाई मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है, मैंने इस लेवल पे जाना है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर अपनी फील्ड के अंदर मैंने सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनना है, तब भी आप कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रख लें कि मुल्क के लिए आप लोगों ने कुछ करना है। अगर आप लोग इस वीएन से चलते हो तो आपको खुद नहीं पता चलना, आप खुद तो स्टेबल हो जाओगे,
आप पता नहीं इस कोशिश के अंदर कितने हज़ारों लोगों को स्टेबल कर दोगे, उनकी लाइफ को सेट कर दोगे। हमारे मुल्क में जॉब्स की कमी है, रोज़गार की कमी है, हर साल बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, लेकिन जॉब्स हमारे पास नहीं है। तो जॉब्स गवर्नमेंट इतनी नहीं दे सकती आपको, ठीक है ना। इतना आसान काम है कि गवर्नमेंट जॉब्स दे, एक लिमिटेड नंबर ऑफ दे सकते हैं। 22 करोड़ आवाम में गवर्नमेंट 22 करोड़ जॉब्स तो नहीं निकाल सकती। किस चीज़ की निकाले, कहाँ से निकाले? जॉब क्रिएटर्स आपको बनना है, मुझे बनना है, आपको बनना है, ठीक है। आप यह ना माइंड सेट में रखोगे भाई खाली मैंने जॉब करनी है। हाँ, जॉब करो शुरू में, लेकिन एक्सपोजर गेन करने के लिए। क्या गेन करने के लिए? एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है कि एक चीज़ कैसे होती है मैं जा के देखूँ। अगर आपने देखना ना भाई कि अगर आप लोग टीवी पे एड्स देखते हो, ग्राफिकल वर्क्स आ रहे होते हैं, ठीक है, आपने भी देखा होगा भाई SEO में लोग ऐसे भी हैं जो $50,000 इवन महीने का कमा रहे हैं, ठीक है। $50,000 1 करोड़ से ऊपर बनता है, ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो एडसेंस से SEO के थ्रू अर्न कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग के थ्रू। तो आप लोग भी अर्न कर सकते हो, लेकिन पहली चीज़ क्या है? लर्निंग आपकी। एक लेवल तक आपने एक्सपर्ट बनना है। जब आप उस स्किल की जो डिमांड है ना, जिस दिन उसको अचीव कर जाओगे, आपके पास लिटरली पैसा पैसा होगा। सही हो गया? तो मैं क्या बात कर रहा था भाई कि आप लोगों ने विजन सेट करना है, मुल्क के लिए कुछ करना है। ये चीज़ क्लियर होगी? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ योर रोड मैप टूवर्ड्स फ्रीलांसिंग, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बगैर तो आप अपने लिए भी पैसे नहीं लेके आ सकते, मुल्क तो फिर बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो भी आपका स्टेप ये है, अभी आप लोगों ने कोर्स किया बेसिक लेवल का, क्या किया? बेसिक लेवल का। या फिर बहुत अच्छे बच्चे अंदर बैठे हुए, मैंने काम देखा था आप लोगों का, कुछ बच्चे इंटरमीडिएट लेवल का भी काम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों ने ड्यूरिंग 2 मंथ्स कोर्स आप माशाल्लाह एक प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाने लग गए हो, तो ये किसी छोटी बात नहीं है। अपने लिए क्लैपिंग कर लें, ये बहुत बड़ी चीज़ है आप लोगों की। हाँ, क्या बात। तो मैंने कुछ बच्चों का काम देखा, आप लोगों ने अच्छे ग्राफिक्स क्रिएट किए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने अपनी स्किल को पॉलिश करना है। एक चीज़ बन जाती है ना, सबके घरों में मार्बल लगते हैं, पहले मार्बल लगता है, बाद में रगड़ाई होती है, फिर पॉलिश होती है। अभी आपने पहले अगले 2 मंथ्स का गोल सेट कर लो कि आपने पहले खुद को रगड़ना है। रगड़ना मीन्स टका के प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बने हो तो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना, टूल सीख लेना है, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर या फिर कैनवा, कोई भी टूल सीख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 4 वीडियो से सीख लेते हो, ठीक है। असल चीज़ आपकी क्या है, अगर ग्राफिक डिज़ाइनर बने हो तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिमांड को समझोगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपसे मांगती क्या है? आपसे क्रिएटिविटी डिमांड करती है, इनोवेशन डिमांड करती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, यूनिकनेस डिमांड करती है, अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस, आई कैचिंग कलर्स, अलाइनमेंट्स, ठीक है, अच्छा फॉन्ट साइज, मिनिमल डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को सीखना आपने और इनके लिहाज से खुद को अंडरस्टैंड करना है। सेम गोज़ फॉर SEO एक्सपर्ट्स, अपनी फील्ड की डिमांड को समझना भाई। अगर आपको काम करना है किसी लेवल पर तो मार्केट के लिहाज से आप किस लेवल पे हो, उन स्ट्रेटजीज को सीखो, अच्छे बैकलिंक्स बनाना सीखो, तरीके से काम करना, जुगाड़ नहीं लगाने, अच्छा काम करना है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देनी है आपने, ठीक है, बैकलिंक्स बनाना सीखो, अच्छी ऑन पेज SEO सीखो, कीवर्ड रिसर्च पे काम करो, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट थिंग, रगड़ा लगाने के बाद खुद को, अपनी रगड़ाई करने के बाद फिर खुद को पॉलिश करना है, ठीक है। पॉलिश मीन्स आपने फिर अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो क्या है, किसी को पता पोर्टफोलियो क्या होता है? नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। जब आप नेक्स्ट किसी क्लाइंट के पास जाओगे ना, कहोगे भाई मुझसे लोगो बनवा लो, चलो मुझसे वेबसाइट बनवा लो, चलो मुझसे SEO अपनी करवा लो वेबसाइट, वो पूछेगा भाई पहले मुझे बताओ आपने प्रीवियसली कभी काम किया है? किया काम? अभी तक नहीं किया। पूछेगा क्यों नहीं किया? भाई मैं तो बिगनर हूँ। कहेगा जाओ पहले किसी का करके आओ, मुझे तो एक्सपर्ट बंदा चाहिए, या मुझे एटलीस्ट दिखाओ कि आप मेरा काम कर सकते हो, मेरे पास क्या शॉर्ट है कि आप मुझे अच्छा काम दोगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो ये है कि आपने कितने लोगोज बनाए हैं, प्रीवियस लोगोज आपके, प्रीवियस फ्लायर्स, बैनर्स, प्रीवियस SEO जो आप लोगों ने वेबसाइट्स की हैं, या प्रीवियस वेबसाइट जो आप लोगों ने बनाई हैं, तो उन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक हो गया। वो पोर्टफोलियो आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो क्लाइंट का आप पर ट्रस्ट बिल्ड होगा। प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस में सीखना आपने कि आप मार्केट के लिहाज से कितना पीछे हो। आप एक लोगो बना रहे हो, एक फ्लायर बना रहे हो, फ्री पिक पर जाओ या गूगल पर जाके देखो। फॉर एग्जांपल आपने एक एजुकेशनल फ्लायर बनाया, जस्ट गो ऑन द गूगल एंड टाइप एजुकेशनल फ्लायर, इमेजेस में जाओ, जाकर देखो भाई वहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ लेवल के डिज़ाइन पड़े हैं, फिर अपना डिज़ाइन कंपेयर करो, क्या आप उस क्रिएटिविटी
और उस एक्सपीरियंस को मीट कर रहे हो जो उस डिज़ाइन के अंदर पड़ा हुआ है, अगर तो कर रहे हो या कहीं कहीं उससे करीब हो, इट मीन्स कि आप कोई लेवल अचीव कर चुके हो। अगर नहीं कर रहे तो इट मीन्स अभी आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लर्निंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो जिस दिन आपने देखना है कि भाई अब मैं बिल्कुल मैच कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, अच्छा डिज़ाइन है, आपको फील आए, उस दिन जाके आपने नेक्स्ट काम शुरू करना है, मार्केट में इंटर होना है। ये आपकी रगड़ाई थी, पोर्टफोलियो वर्क वर्क वर्क, ठीक है। सैंपल्स क्रिएट करो ऐसे कि जो आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सको। अब सबसे आसान तरीका पता है क्या सैंपल्स क्रिएट करने का, मैं सबको आइडिया देता हूँ जितने भी बच्चे फ्रीलांसिंग में आते हैं। सबसे आसान मेथड ये है, फेसबुक पर जाओ, जाकर फ्रीलांसिंग सर्च करो, या पाकिस्तान फ्रीलांसर्स करो, या फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान फ्रीलांसर कीवर्ड ऐसे सर्च करो, एसईओ एक्सपर्ट और एसईओ एक्सपर्ट सर्च करो, लोगो डिज़ाइन सर्च करो, फ्लायर सर्च करो, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्च करो, देन गो इनटू ग्रुप्स सर्च करो, ग्रुप्स पे जाओ, जाके क्या करो, फिल्टर लगाओ, आपके पास सारे उस कीवर्ड के अगेंस्ट ग्रुप्स आ जाएंगे जो आपकी फील्ड के हैं, फ्रीलांसिंग प्लस एसईओ, फ्रीलांसिंग प्लस लोगो डिज़ाइन, फ्लायर, वेब ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लस वेब डेवलपमेंट, आपके पास ग्रुप्स आ जाएंगे। वहाँ जाके पोस्ट करो, भाई आई एम क्रिएटिंग माई पोर्टफोलियो, आई विल गिव फ्री वेबसाइट टू 10 पीपल, फ्री लोगो टू 10 पीपल, आई विल डू एसईओ ऑफ 5 वेबसाइट फॉर फ्री, ठीक है, इंटरेस्टेड पीपल कैन रीच मी आउट। जस्ट इतनी सी पोस्ट आया करो, बहुत लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट हुआ, लोग आपके पास आए, आपने उनकी एसईओ की, आप अच्छा काम दोगे ना तब भी अगली बात होगी, ठीक है। पहला स्टेप चढ़ना मुश्किल होता है, हमेशा पहला स्टेप ऊंचा होता है, आगे रास्ता आसान हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करके उसको 40 की स्पीड तक लेके जाने में गाड़ी की पावर लगती है, उसके बाद गाड़ी भागती जाती है, आप हल्की सी रेस देते हो और तेज़ हो जाती है, ऐसे ही है। तो इसलिए पहला स्टेप मुश्किल है, इसमें आपने फ्री वेबसाइट्स बना के देनी है। 5 लोगों को आपने SEO करके दे दी, पहले पेज पर आ गए, 5 रेफरेंसेस बन गए। क्या बन गए? रेफरेंसेस मीन 5 लोगों से आपका ताल्लुक बन गया है कि वो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं और फ्यूचर में आपके पास काम लेके आएंगे या किसी को रेफ़र कर सकते हैं। नंबर 1, 5 वेबसाइट्स आपने SEO कर दी, उनका आपका पोर्टफोलियो बन गया। 10 लोगों से बना लिए, 10 लोगों से पोर्टफोलियो बन गया। अब एटलीस्ट क्लाइंट के पास जाओगे, उसको बताओगे भाई नो डाउट आई एम अ बिगनर, लेकिन आप मेरा एक दफ़ा काम देख लो, मैंने इतना अच्छा काम किया है, मेरे ये 5-स्टार रिव्यूज़ हैं, आप अपना फेसबुक पेज बनाओ, ठीक है, बनाओ अपना पेज भाई, साद नवीद के नाम से, हमाद नवीद, ठीक है, उस्मान गली मलिक, आगे लिखो भाई अपने डिस्क्रिप्शन, आइए मैं ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ। फेसबुक पेज पे आपको लोग बहुत से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस पर अपने रिव्यूज़ लो, खुद को एक ब्रांड बनाओ, ठीक है, वहाँ पे आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो इनिशली। फाइबर अब तक तो बात की बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही आप अच्छी खासी गेम खेल सकते हो। लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, लिंक्डइन का कभी नाम सुना है? नहीं सुना, चलो आज आपने गूगल पे जाके ना लिंक्डइन सर्च करना है, linkedin.com वेबसाइट आएगी आपके पास। ये एक प्रोफेशनल मार्केट प्लेस एंड सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दुनिया भर के लोगों के सामने अपना काम शो कर सकते हो, और रिक्रूटर्स वहाँ बैठे होते हैं जो आपको रिमोटली हायर कर सकते हैं या आपको अच्छी जॉब पे बुला सकते हैं। इवन गूगल लिंक्डइन से लोगों को हायर कर रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है। पोर्टफोलियो बन गया, पोर्टफोलियो जिस लेवल का होगा ना उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा काम मिलेगा। अब आ जाओ फाइवर पे, जब आपको क्लाइंट भी सेटिस्फाइड है, अच्छे रिव्यूज़ भी आ गए हैं, काम भी अच्छा कर लिया है। अच्छा, सबसे पहला जो ऑर्डर होता है ना जब आपका, तो बंदे को बड़ा डर होता है, हाथ पांव कांपते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, यार मेरा पहला ऑर्डर है, पता नहीं मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता, सर ने असाइनमेंट दी होगी आपको, ठीक है, पहली असाइनमेंट में डर लगा होगा, यार पता नहीं मैंने कैसा बनाया, सर को पसंद आएगा नहीं आएगा, डर था। इस तरह जब क्लाइंट के पास जाते हो ना आप, तो आपको बहुत डर लगता है पहले ऑर्डर के अंदर, पसीने भी आते हैं, सही टांगें कांपती हैं, मतलब काम पे टांगती हैं, ठीक है। तो उस वो जो डर है ना आपका, वो आप जब फ्री लोगोज या फ्री वेबसाइट या फ्री में SEO करके दोगे और अच्छा काम कर दोगे, वो आपका डर उतर जाएगा। फिर आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जब फाइवर पर जाओगे, जाके सबसे पहले आपने अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है, क्या करना है, पोर्टफोलियो के बाद सेकेंड स्टेप क्या है, पोर्टफोलियो बेशक लिख लो, सेकेंड स्टेप पोर्टफोलियो है। अच्छा, कभी आप में से किसी ने फेसबुक पर जाकर इमरान खान का पेज देखा है? नहीं देखा, चलो देख लेना, चलो किसी ने मतलब किसी एक्टर या एक्ट्रेस का तो देखा होगा फेसबुक पेज, फिर एक फेसबुक पेज मेरे जैसे इंसान का या किसी अननोन आदमी का भी देखा होगा, एक फील आती है। या एक ब्रांड पे चल जाओ, फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड का पेज देखा हो, पेज सेम होता है, लेआउट भी सेम होता है, डिस्क्रिप्शन भी मीन्स डिज़ाइन सेम होता है हर किसी का, लेकिन
एक पेज आपको बहुत ही हाईली इंप्रेसिव फील दे रहा होता है और एक के ऊपर आपको जाके कुछ भी नहीं लगता यार, ये तो खाली सा पेज है, ना लाइक्स हैं, ना कोई यहाँ पे वाम है, ना कोई रिव्यूज़ हैं, ना कोई ये, मैं क्या करूँ यहाँ पे। लेकिन दूसरी साइड पर वही कोई ब्रांड का पेज, जे डॉट का पेज देख लो, या फिर किसी एक मीन्स आप बोनांजा का देख लो, कपड़ों के ब्रांड की बात कर ले फॉर एग्जांपल, ब्रांड जब देखते हो तो फील आती है आपको कि भाई वाकई ये पेज है, प्रोफाइल है, कोई आपको फील आ रही है। सेम गोज ऑन फाइबर, क्लाइंट आपकी प्रोफाइल ओपन करे तो क्लाइंट को लगना चाहिए भाई चमन में बहार आ गई, बड़े बड़े बल्ब रोशन हो गए हैं, सही है, क्या बंदा एक्सपर्ट है, क्या प्रोफाइल है, क्या लेवल के रिव्यूज़ हैं, कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी है। यू मस्ट हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट, क्या अपने क्लाइंट का प्रॉब्लम डिस्कस करना है, ठीक है। फाइवर पे आपने बनानी है गिग्स, गिग्स क्या होती है, ऑनलाइन दुकान, ठीक है। ऑनलाइन दुकान मतलब ये मेरी दुकान है, मैं ये बेच रहा हूँ, मुझसे ले लो। अब बेचने के टाइम आपको पता होना चाहिए अब बेच क्या रहे हो। बेचने के लिए जब आप किसी दुकान पे जाओ ना, बाजार में जाओ, जी मैंने ये फलां कंट्री से इंपोर्ट किया है, आला क्वालिटी का है, ठीक है, बस आज ही ताज़ा माल आया है, ठीक है, बड़ा बेहतरीन है, इतनी उसकी तारीफें करेगा आपको, अच्छा इतनी अच्छी चीज़ है, मैं तो ले के जाऊँगा भाई, मुझे पसंद आ गई है, क्लाइंट वो आपका माइंड बनाता है। इसी तरीके से आपको बेचना आना चाहिए, यू नीड टू नो हाउ टू सेल, बेचना कैसे है, ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेनी है, ये चीज़ सीखनी है, ठीक है। जितना अच्छा आप अपने सर्विस को या अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करोगे जाके फाइवर पे, उतने ज़्यादा चांसेस है कि क्लाइंट आपकी डिस्क्रिप्शन रीड करके आपके पास आएगा। डिस्क्रिप्शन मीन्स कि आपने किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट किया, सही हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। सेकंड स्टेप आप क्या है, आपकी गिग या आपकी प्रोफाइल, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए और SEO बेस्ड होनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम वर्ड्स होने चाहिए जो क्लाइंट सर्च करे तो वो आपको वहाँ पे मैच हो और आपकी गिग पहले नंबर पे आए, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 3, अपवर्क या फाइवर, अप्लाई ऑन जॉब्स। फाइवर तो ये फीचर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा है, बाय रिक्वेस्ट वाला सारा आपकी जो है ना डिस्क्रिप्शन के ऊपर लेके आ रहा है आपकी गिग्स की, कि अगर आपकी गिग्स से क्लाइंट की जॉब पोस्ट मैच हुई तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा ये मैच हुआ, इसको जाके कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। उसको फाइवर ब्रीफ्स के नाम से बोल रहा है। अपवर्क पे स्टिल ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रुप पे है, पीपल पर और है, ट्रूलांसर है और ढेर सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब आपने जाना है ना, जब जॉब पर अप्लाई करना है, क्या करना है, अप्लाई करना है, वहाँ पे आपने लिखना होता है कवर लेटर, प्रपोजल लिखना होता है क्लाइंट को कि मैं आपका ये काम करूँगा, इतने टाइम में करूँगा, इतने रुपये लूँगा, ठीक है। या तो वहाँ कॉपी पेस्ट कंटेंट लिख दो, या फिर वहाँ से क्लाइंट की जॉब पढ़ो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई दो प्रॉपरली, मैं ये काम करूँगा, मुझे ये प्रॉब्लम समझ आया है, मैं इतने टाइम में करूँगा, इसका ये सलूशन है, मेरे ये सवाल हैं, आप मुझे इसका जवाब दे दो, ठीक है। और मैं क्या हूँ, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, यहाँ से मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लो, ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद यू। एक प्रॉपर आप फॉर्मेट लिखोगे ना, क्लाइंट का प्रॉब्लम डिस्कस करो, सवाल पूछो, अपने बारे में बताओ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, उसको रिगार्ड्स दो अच्छे अच्छे कि भाई मुझे आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। जब इस तरह से बात करोगे तो क्लाइंट आपके पास आएगा, वरना क्लाइंट को जब 50 प्रपोजल रिसीव हो रहे हैं तो वो आपके पास क्यों आएगा, आपके पास तब आएगा जब आप उसको उसके प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हो। तो प्रपोजल राइटिंग पे आपने स्टेप 3 पे फोकस करना है। क्या है भाई नेक्स्ट स्टेप, प्रपोजल राइटिंग, ठीक हो गया। स्टेप 1 पोर्टफोलियो, स्टेप 2 अच्छी प्रोफाइल, स्टेप 3 कवर लेटर। अब बात करेंगे स्टेप 4 की। चलो मान लिया भाई क्लाइंट को आपका प्रपोजल पसंद आ गया, क्लाइंट ने मैसेज कर दिया, अगली गेम है अब आपकी कि आपने क्लाइंट को फंसाना कैसे है कि भाई मेरे साथ काम करो, कि मैं ही, अब उसने आपको कह लिया कि तो मैसेज नहीं किया होगा, हो सकता है 10 लोगों को और कर रहा हो, सकता है 3 को और कर रहा हो, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। अब 3, 4, 5, 6 लोगों को उसने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, उन सब से बात चल रही है, तो वो आपको क्यों हायर करेगा? आपको तब हायर करेगा जब आप उसको डेडलाइन उसके सूटेबल दोगे, आप उसको प्राइस सूटेबल दोगे, प्लस आप उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दोगे, मीन्स आप उसको उसके प्रॉब्लम के अगेंस्ट टेक्निकली टेक्निकल नॉलेज से और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से उसको डील करोगे, जवाब दोगे, उससे बात करोगे और उसे लगे कि भाई ही इज़ द मैन दैट आई एम सर्चिंग फॉर, ठीक है, यही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। आपने उसको बताना है, अपने बारे में ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं छोड़ दी, वो कहेगा यार ये अजीब पागल इंसान है, अपनी तारीफें करी जा रहा, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, पता नहीं कहाँ से ये खुद पसंद उठ के आ गया। आप लोगों ने हम्बल रहना है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स करनी है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, अच्छे से बात करना, ठीक है, क्लाइंट को बताना है भाई
पोलाइटली रहना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, वो आपको रिस्पेक्ट देगा, उसके सवाल का स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट जवाब दो, उसको सेटिस्फाई करो, फिर एंड पे आपका अगर बजट और डेडलाइन मैच होती है, अगर आप सेम पेज पे हो तो आपकी डील हो जाएगी। फाइवर पे क्लाइंट आएगा, आपको ऑर्डर आके प्लेस करेगा। ऑर्डर कैसे प्लेस करेगा भाई? इस्क्रो में अमाउंट रखता है क्लाइंट। इस्क्रो क्या बुलाए? फाइवर आपके और क्लाइंट के दरमियान में एक ब्रिज है, ठीक है। ब्रिज के नीचे जैसे पिलर्स होते हैं ना, जो सपोर्ट दिए होते हैं उसको, इसी तरह से आपकी पेमेंट जो है वो पिलर्स की तरह फाइवर स्टोर कर लेगा, ठीक है। अगर आपका $50 का प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो फाइवर पहले जो है $50 क्या करेगा, उस क्लाइंट से चार्ज कर लेगा जब ऑर्डर प्लेस करेगा, और अपने पास रख लेगा। ये आप हो, ये क्लाइंट है, फाइवर ने पिलर बना दिए पैसों का, अब आप काम करो, कम्युनिकेशन करो, काम करो। जब आपका काम अप्रूव आप डिलीवर करोगे करके, भाई ये लोगो मैंने बना दिया, ये आपकी साइट की ऐसी होगी, चेक कर लो, क्लाइंट को पसंद आया, सब कुछ ओके हुआ, ठीक है, फाइवर क्लाइंट अप्रूव करेगा, पैसे आपके पास, ठीक है। अगर कोई तू तड़ा हो जाती है, डिबेट होती है, ऑर्डर कैंसिल होता है, पैसे क्लाइंट के पास वापस, सही हो गया। तो ये गेम है आपकी फ्रीलांसिंग में, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ठीक है। ये एक रोड मैप है, इसको फॉलो करना आपने। मैं फिर शुरू वाली बात करूँगा कि अपना VN बड़ा कर लो, ठीक है। कुछ बड़ा करने का सोचो, छोटे छोटे काम चुटकियों में खुद ब खुद ही हो जाएंगे। यहाँ से उठने से पहले सोच के जाना कि मैंने अगले 5 साल में कहाँ पे पहुँचना है, क्या बनना है, क्या करना है, क्यों करना है, मुल्क को कैसे बेनिफिट दूंगा, दूसरों को कैसे फैसिलिटेट करूंगा, ठीक है। अल्लाह ताला कहता है ना, कर भला हो भला, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा, ठीक है। इसलिए दूसरों के लिए कुछ करना शुरू कर दें। जब यहाँ से उठो ना, तो सोचोगे भाई 5 साल में मैंने यहाँ पर पहुँचना है, लेकिन पहुँचते हुए मैंने दूसरे कितने लोगों का फ़ायदा करना है, जो मैंने सीखा वो मैं कितनों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, ठीक है, मैं किस तरह दूसरों को बेनिफिट दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप सोचोगे, तो बिलीव मी आपको खुद समझ नहीं आएगा पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आप अपना आप सबर जाएगा। दूसरों के लिए काम करोगे तो अपना आप खुद ही सबर जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।